हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को। देखिए, ये बुक है स्पार पब्लिकेशन का, जिसमें टोटल 40 सेट दिए गए हैं और अब तक हम इसके 24 सेट पढ़ चुके हैं। यदि आपने वे सेट नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके ग्रुप डी के एग्जाम के साथ साथ एनटीपीसी CVT 2 एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इस बुक में वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 25। पहला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, और बाद में अशोक तथा रुद्र दामन ने मरम्मत करवाई इसकी। पुनः गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्वार करवाया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ऊर्जा का सतत स्रोत है, सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्ली फ्यूज हो जाती है। क्वेश्चन है, सूर्य ऊर्जा का सतत स्रोत है, सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्ली फ्यूज हो जाती है। आंसर है हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए, यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, कुनेन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद है, यह सिनकोना की जड़ से प्राप्त की जाती है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि कथन एक सही है परंतु दो गलत है। ठीक है, मलेरिया रोग में मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुनेन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाने वाली औषधि है, तथा ये सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है, ना कि जड़ से, इसलिए सेकेंड वाला कथन गलत है। स्पीसीज यानी कि जाति ऐसे वैशिष्टों का समूह है। स्पीसीज ऐसी वैशिष्टों का समूह है जो, आंसर है ऑप्शन ए, जननात्मक रूप से जीवन क्षम रह सकता है। जननात्मक रूप से जीवन क्षम रह सकता है, इस प्रकार का ये समूह है। लिनालस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक यानी कि पिता कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये कैरोलस लीनियस की बात कर रहा है। ठीक है, इनको लिनालस यहाँ पर लिखा है, कैरोलस लीनियस की बात कर रहा है। वर्गीकरण का जनक कहा जाता है इनको पिता, क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, द्विपद नाम पद्धति प्रस्तावित की थी इन्होंने इसलिए। किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्ली से उत्सर्जित बीटा कण है। क्वेश्चन है, किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्ली से उत्सर्जित बीटा कण है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन कट रहे हैं लेकिन क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया। बारदोली ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया एक सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है, IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन है, IRDP, देखिए इसको बोलते हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है, किसके दौरान प्रारंभ की गई। तो सही आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना था। ताजमहल की रूपरेखा यानी कि डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया। ताजमहल की रूपरेखा यानी कि डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया। आंसर है उस्ताद ईसा के द्वारा। किसके द्वारा? उस्ताद ईसा के द्वारा। बोस्टन टी पार्टी थी। क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी थी, तो ये था चाय करके विरुद्ध चाय करके विरुद्ध विरोध था बोस्टन टी पार्टी। कांग्रेसी नेता क्रिप्स मिशन से निराश क्यों थे। क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेता क्रिप्स मिशन से निराश क्यों थे। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, वे डोमिनियन स्थिति की बजाय पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। वे डोमिनियन स्थिति की बजाय पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। वेदांगों की संख्या बताइए। क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या बताइए। तो सही आंसर है 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है दोस्तों।
द्विबीज तने में दारु और पोजवाहा के बीच उपस्थित परत है। द्विबीज तने में दारु और पोजवाहा के बीच उपस्थित परत है, तो इसको बोलते हैं एधा यानी कि कैम्बियम, एधा बोलते हैं या फिर कैम्बियम। सामूहिक खेती कहाँ सॉरी यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है, तो ये की जाती है स्टेपीज के घास के स्थलों पर। देखिए क्वेश्चन कट रहा है लेकिन पूरा करवाऊंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण स्वतः इसका मान क्या होगा। अगर पृथ्वी घूर्णन को रोक दे तो उसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण का स्वतः मान क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुछ जगहों पर बढ़ेगा और कुछ अन्य स्थानों पर वही रहेगा। ठीक है, कुछ जगहों पर बढ़ेगा और कुछ अन्य स्थानों पर वही रहेगा। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं, तो सही आंसर है चुनाव विवाद, चुनाव विवाद। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन है स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सही आंसर है इस्पात का। किसका? इस्पात का प्रयोग किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने में। जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां खरीदता है तो बैंक रिजर्व, क्वेश्चन है जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां खरीदता है तो बैंक रिजर्व, आंसर है विस्तृत होता है यानी कि बढ़ता है, विस्तृत होता है। हिडकल परियोजना किस नदी पर बना है, हिडकल परियोजना किस नदी पर बना है, तो सही आंसर है घाट प्रभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हिडकल परियोजना किस नदी पर है, घाट प्रभा नदी पर। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे, आंसर है 42वां संविधान संशोधन। क्राइबॉय रोग किसके संसाधनों से भरपूर है, तो राइट आंसर इसका लोहा अयस्क। ठीक है, लोहा अयस्क। निम्नलिखित में से कौन सी एलिमेंट की एक विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एलिमेंट की एक विशेषता नहीं है, तो सही आंसर है आर्काइव। सही आंसर क्या है इसका, आर्काइव। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया, क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया, राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा। प्रकृति में पोषण रीतियां इनमें पाई जाती हैं, क्वेश्चन है प्रकृति में पोषण रीतियां इनमें पाई जाती हैं, आंसर है परितंत्र में, किसमें, परितंत्र में। UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितने अवधि तक पदासीन रहते हैं, आंसर है 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो। किसके शासन के दौरान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई, क्वेश्चन है किसके शासन के दौरान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई, सही आंसर इसका JD यानी कि जनता दल की सरकार के शासन काल में 1990 ईस्वी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। निकोटीन आधारित उत्पादों के उत्पादन विपणन भंडारण और उपभोग कहां पर प्रतिबंध हैं, निकोटीन आधारित उत्पादों के उत्पादन विपणन भंडारण और उपभोग कहां पर प्रतिबंधित हैं, तो ये इसका सही आंसर है आसाम, कहां पर, आसाम में। वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, सही आंसर है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, किसके द्वारा, लियो टॉल्स्टॉय। एसिटिक अम्ल बी कार्बोक्सिलकरण कर देता है, तो देखिए ये कर देता है मीथेन गैस का, किसका, मीथेन का। हरित स्थल यानी कि ग्रीनलैंड है, क्वेश्चन है हरित स्थल यानी कि ग्रीनलैंड है, तो देखिए बर्फ से ढका उच्च पठार है, ये बर्फ से ढका उच्च पठार है ग्रीनलैंड। एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है, एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा विलियम शेक्सपियर की ये रचना है एज यू लाइक इट। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन है सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर है 20 अगस्त को, कब, 20 अगस्त को। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं, क्वेश्चन है मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं, तो ये होते हैं 23, ठीक है, और टोटल संख्या पूछे तो 46, लेकिन गुणसूत्रों की जोड़ी की बात कर रहा है तो 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी।
तरलता अधिमान का तात्पर्य है? क्वेश्चन है, तरलता अधिमान का तात्पर्य है, तो सही आंसर है नगदी को रोक के रखने की जनता की इच्छा। नगदी को रोके रखने की जनता की इच्छा। निम्नलिखित में से किस योजना की वास्तविक वृद्धि दर लक्षणोन्मुखी वृद्धि दर की अपेक्षा उच्चतर थी? सही आंसर है आठवीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मिक अम्ल सिरका। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल सिरका ये सही नहीं है, बाकी के सभी सही है, याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल दूध से, साइट्रिक अम्ल नींबू से, ब्यूट्रिक अम्ल विकृत गंदी मक्खन से, लेकिन फॉर्मिक अम्ल ये गलत है दोस्तों, सिरका ये लिखा हुआ है गलत है ये। अशोक का पोता कौन था? क्वेश्चन है अशोक का पोता कौन था? सही आंसर है दशरथ। चीन ने ग्वाडर पोर्ट कहां बनाया है? राइट आंसर है पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैसी और जब भी जरूरत हो भारतीय संविधान में संशोधन करना। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? आंसर है चुंबकीय ऊर्जा, के रूप में रिकॉर्ड करता है। एंजाइम है तो ये होते हैं जैव उत्प्रेरक। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। प्रोबायोटिक दही में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं संबिष्ट होती हैं? तो इसके अंदर होते हैं जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। भारत का प्रथम बैंक था? तो देखिए ऑप्शन यहां पर ए है, बाकी ऑप्शन कट रहे हैं लेकिन आंसर यहां पर है सामने आपके, तो मैं करवा देता हूं क्वेश्चन। भारत का प्रथम बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि ऑप्शन ए। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहां पर स्थित है? सही आंसर है अवाड़ी में। नाना साहब किसका दत्तक पुत्र था? राइट आंसर है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था नाना साहब। भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? तो सही आंसर है पी तरंगों को। वह श्रम जो मूल्य निर्मित करता है और अपनी सेवाओं के लिए पुरस्कार प्राप्त करता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका उत्पादक श्रम। मंगल पांडे ने कहां विद्रोह किया? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका बैरकपुर में। कहां पर? बैरकपुर में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2012 का विजेता कौन है? तो सही आंसर है एलन जॉनसन सरलिफ। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।